जिनको भी पूजा के दर्शन करना, मंदिर के दर्शन करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये क्लिप मैंने स्पेशली बनाई है। आप लोग भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और ये मेरे लड्डू गोपाल आज बड़े ही येलो येलो दिख रहे हैं मुझे। समर की ड्रेस जो मैंने हाथ से बनाई थी अपने घर पे, मतलब स्टिच की थी, वो मैंने आज इनको पहनाई है। और बस पूजा हमारी हो गई है, भोग लग गया है, दिन है आज संडे का। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। ये देखिए सुबह का टाइम है और टाइम है लगभग 8:15। मेरी पूजा हो गई है, इतना टाइम हो गया है। और यहाँ पे मेरी तुलसी माता भी हो गई हैं, तो ये मेरे जो है कुछ प्लांट पीछे मैंने लगाए थे जो, वो सब अच्छे से अभी तक ग्रो कर रहे हैं। और ये रोज़ हमारा ज़मीन में ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने इसमें प्लांटर में लगा दिया है। और कुछ आप लोगों के कमेंट आया कि आप वेजिटेबल लगाइए, तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरी ये जो क्यारी बोलूँ इसको, जो भी गार्डन बोलूँ, इसकी मिट्टी में दवाई भी हमने डाल ली है, इसमें कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें ज़मीन में कुछ भी नहीं उगा सकते, इसीलिए मैंने प्लांटर ही रखे हैं। लगाई है मैंने, दिखाऊंगी। लौकी की जो बेल हैं, तोरी की हैं, वो मैंने छत पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये छोटा सा गार्डन का टूर आपको दे दिया और व्लॉग की शुरुआत कर ली। दिन है आज संडे का, आज का स्पेशल सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आज मक्खन बनाने से स्टार्टिंग हुई है पूजा के बाद, क्योंकि आज झटपट काम निपटाना है, तो आज मैं जो है ज़्यादा स्पेशल भी नहीं बना रही हूँ, और बोलूँ तो स्पेशल भी बहुत ही है आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें कि होगा फ्रेश वाइट मक्खन, जो कि ब्रेकफास्ट में आज सब लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मक्खन बनाना ज़रूरी था। मलाई को जामन लगा के रखा हुआ था, तो बस यहाँ पे ब्लेंडर से ये मक्खन मैं निकाल लेती हूँ। और ये बनाना कल था, लेकिन बाय चांस आपको पता ही है मेरा टाइम नहीं लगता कभी कभी, तो बस ऐसा ही हुआ, इसलिए ये आज मॉर्निंग में बन रहा है। तो यहाँ पर ये मक्खन मैंने बना दिया है सबसे पहले, उसके बाद हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी जल्दी जल्दी। आज थोड़ा सा, आज संडे की तरह थोड़ा लेट नहीं होगा, जल्दी ही होगा, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। तो मक्खन मलाई थोड़ी सी ज़्यादा इस बार हो गई थी, तो मतलब ब्लेंडर थोड़ा भारी सा हो रहा था, तो इसलिए मैं जो है इसको हाथों से चला रही हूँ। पहले स्ट्रेन किया है, उसके बाद मैंने किया है, और ये हमारा मक्खन रेडी हो गया है, बिल्कुल गाँव जैसा, घर जैसा, एकदम टेस्टी वाला। तो चलिए, मक्खन तो हमारा रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। आटा वगैरह तैयार करके रख लिया है, जो भी मेरे जो है मक्खन के हाथ होंगे, तो वो मैं आटा साथ साथ ही लगा लूँगी। इतनी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है कि फिर बार बार जो है मुझे काम ना बढ़े, मेरा एक काम के साथ ही सारे काम हो जाए। ये देखिए, फ्रिज में रखी हुई थी मलाई, बहुत ही थिक सा अच्छा सा मक्खन हमारा निकल के तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बार धुल लूँगी पानी डाल के, सिंपल पानी डाल के, जो इसमें छाज रह जाती है, फिर धुलने के बाद वो भी निकल जाती है, और हमारा बिल्कुल प्योर मक्खन बन के तैयार हो जाता है। तो मक्खन का काम निपटाया, छाज अलग रख दी है, कड़ी वगैरह के काम आ जाती है, और यहाँ पर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, धो धा के मैंने मक्खन रख दिया, और ये श्रेय दिखा रहा है क्लिप, उसने रिकॉर्ड करी थी, वो बोला मम्मी आपने ये क्या निशान से बना दिए, वो धुलते टाइम ऐसे हो जाता है। तो जी, यहाँ पे जो आटा लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ आज आटा, क्योंकि आज मैं सिंपल पराठे बनाऊँगी, और सब्जी रहेगी करेले की, जो कि कल बनाई थी, और मक्खन बना दिया है। जिनको दूध चाहिए उनके लिए दूध, जिनको चाय चाहिए उनके लिए चाय, इस तरीके से आज का ब्रेकफास्ट रहने वाला है। बच्चे चाय नहीं लेते, वो दूध लेते हैं, और उसमें भी अंश बिल्कुल ठंडा दूध लेगा, फीका फ्रिज का, जो कि बॉयल रखा रहता है। श्रेय गरम लेगा, जिसमें चीनी डाल के लेगा, और बाकी सबके लिए चाय। तो इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, और आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो जल्दी तो होगा ही, साथ में टेस्टी भी बहुत रहने वाला है, और एकदम देसी स्टाइल में रहने वाला है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैं पराठे बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सब्जी बनाते हैं करेले की, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सब्जी के साथ ही करेला चलता है, मतलब करेले को सब्जी ही नहीं मानते, अचार की तरह यूज़ होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें भी बहुत टाइम जाता है, मैंने एक टाइम सब्जी नहीं बनाऊँगी, तो जो है करेले से ही काम चलाओ, और सच में एकदम डिफरेंट सा हो जाता है, अच्छा लगता है, टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा बन जाता है। इस तरीके से शाम को भी खा सकते हैं दूध के साथ, बहुत अच्छा लगता है, जैसे गांव में खाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रख दिए पराठे, और अब मैं रख दूँगी ये करेले की सब्ज़ी बोलूँ भुजिया बोलूँ जो भी, क्योंकि भरवा करेले तो नहीं है, काट के मैं बनाती हूँ, आपके साथ पिछली बार मैंने शेयर भी करे थे। और यहाँ पे ये ताज़ा मक्खन, वाइट मक्खन जिसको बोलते हो आप लोग, क्योंकि बटर थोड़ा येलोपन पे रहता है जो रेडीमेड आता है। और ये है हमारा घर का मक्खन, तो ये हो गया हमारा वाइट मक्खन। और साथ में जाएगी गर्मा गर्म चाय। तो ये आज का हमारा पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट रहने वाला है, जो कि अपने आप में टेस्टी तो है ही, आप ट्राई करके देखना, सच में भूल जाओगे सब्जी के साथ ब्रेकफास्ट करना, या इस तरीके से ब्रेकफास्ट करोगे तो और कुछ बनाओगे ही नहीं कि रोज़ ही मैं यही बना के खा लूँ। इतना टेस्टी, मेरे दोनों बच्चे भी करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है सब कुछ रेडी है, अब चलते हैं ये प्लेट लेके, और सबसे पहले आ जाइए आप लोग इसको एंजॉय करने के। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी सारा काम झटझट पटपट किया, झटपट किया, और जो है आपसे नहीं मिले थे, तो अब रेडी होके चल दिए हैं हम अपने काम के लिए। आज दिन संडे का है तो फटाफट से काम निपटाया, इसीलिए मैंने कैमरा वगैरह मतलब ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करी, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, व्लॉग शुरू कर ही लिया था मैंने। आज बाहर जाना है, अगर शुरू कर लूँगी तो कुछ हो ही जाएगा, नहीं तो नहीं। तो देसी खाना पीना खा पी के हम निकल लिए अपने काम के लिए। आज थोड़ा टाइम से ही किया, जल्दी जल्दी, संडे होते हुए भी हम जल्दी से उठ गए थे। हाँ जी, जल्दी से उठ गए थे ना, और इन्होंने भी बहुत सारा काम किया, एसी वगैरह के फिल्टर साफ किए, अपने वाले रूम का भी, पापा के रूम का भी, और पापा के फैन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने बिस्तरी से ठीक कराया था मतलब ले जाके, और वो ना बहुत ही हल्का हल्का चलता था। तो ये हमारे मिस्त्री हैं बड़े, इन्होंने मिस्त्री को फैल किया, उसने गलत तार जोड़ रखे थे, इन्होंने सही तार जोड़े जो भी था उसके मतलब अलग जो भी हो रहा होगा, तो कनेक्शन गलत हो रहे थे ना, नहीं तो पापा आज नया पंखा लेकर आने वाले थे। हाँ, और पापा बोल रहे थे कि नया पंखा लेके आएंगे, और ये तो हवा नहीं देता बिल्कुल भी, तो इन्होंने पापा के पैसे बचाए और जो है मिस्त्री को फेल किया। फेल होगा ना मिस्त्री उसने पता नहीं क्या सब मिस्त्री होगा जिसने कनेक्शन भी उल्टे सीधे कर रखे थे, और अभी नहीं किए थे वो, पापा ने वो पंखा कराया था पिछले गर्मियों में, अब फिर सर्दी आ गई, गर्मियों के बाद मतलब गर्मी खत्म हो गई थी तो फिर आ गई थी सर्दी, तो इतनी जरूरत नहीं थी, चलता तो था वो, हल्का हल्का चलता था, तो अब पूरी गर्मी आ गई है, अब तेज पंखा चाहिए। तो बस आज सुबह ये उसकी एसी के फिल्टर देख रहे थे, साफ कर रहे थे, तो फिर बस इन्होंने सोचा कि चल एक बार देख लो पंखे को, तो इन्होंने देखे, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसा ये काम कभी कभी करते हैं, देखो टाइम चाहिए सारे काम के लिए, कर तो ये बहुत कुछ लेते हैं काम घर के, पर टाइम नहीं होता है ना। तो आज प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, टैप वगैरह भी कर लें, अपने आवाज देगा हम बहुत कर लें, और आज मेरा काम के लिए चल दिए हैं, एक दिन की छुट्टी थी इसीलिए, तो इलेक्शन वाले दिन हमने फुल डे एंजॉय किया, और आप लोगों को कमेंट आ रहे थे इस तरह से टाइम स्पेंड किया करो पूरी फैमिली एक साथ, पर कई फैमिली को टाइम मिले भी, सबसे बड़ी फैमिली तो ये है ही नहीं टाइम मिलता, मैं तो अपनी शॉप छोड़ देती हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, आज होता आज देखो भाई वो भी काम जरूरी है जो मैं जा रही हूँ, आज तो मैं काफी टाइम बाद जा रही हूँ, अब कोई काम हम करते हैं देखो ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे हो जाएगा, उसमें जाना भी पड़ता है, कुछ देखना भी पड़ता है, ट्राई भी करना पड़ता है अलग अलग, तो बस उसी के लिए आज हम जा रहे हैं। बाकी काफी टाइम से मैं नहीं गई हूँ कहीं भी, घर पे ही हो रहा था सब कुछ मतलब आ रहा था, पर आज कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीजें जो देखने जाना पड़ता है, तो बस उसी के लिए आज मैं जा रही हूँ। श्रेय घर पे है, कल दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब श्रेय के कल एग्जाम है श्रेय का, तो और अंश का जो है स्कूल शुरू हो गया है 12th का, तो वो कल से रेगुलर जाएगा, अभी वो नहीं गया था क्योंकि बीच बीच में छुट्टी चली थी, तो 3-4 दिन पहले उसका खुला था स्कूल, मतलब उसकी क्लास शुरू हुई थी, स्कूल तो पहले ही खुले हुए हैं, उसकी क्लास नहीं चल रही थी, साइंस वालों की चल रही थी, कॉमर्स वालों की नहीं चल रही थी, तो अंश के पास कॉमर्स है, तो कल से वो भी रेगुलर जाएगा, और श्रेय के भी रेगुलर हैं एग्जाम, तो आप देखती हूँ मेरे सर पे कितना बोझ भार आने वाला है, शॉप भी खोलनी जाके, घर भी देखना, और इनके सबके लंच वगैरह, अरे भगवान कितना काम, मुझे टेंशन सी हो रही कल की, क्योंकि बहुत दिन से लंच घर पे ही था, मुझे दुकान की थी ही नहीं, सुबह में जाती ही नहीं थी, आदत पड़ने में टाइम लगा।
तो कल देखते हैं कैसे होता है, कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। एक तो धूप इतनी तेज होती है आजकल, बहुत काम हो जाता है घर का बहुत ज्यादा। देखो ऐसा नहीं कि मतलब खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, चलो हो गया काम, लंच वगैरह भी जल्दी हो जाते हैं, पर नहीं ऐसा नहीं। एक तो फैमिली है, ये चले जाते हैं, फिर पापा भी है, सबका ब्रेकफास्ट लेट तक होता है, और फिर दूध आता है हमारे यहाँ पे, जो भैया आते हैं वो भी आते हैं लेट सी, उस दूध भी बॉयल करना, फिर इतनी मॉर्निंग ना, इतनी मॉर्निंग में लंच वगैरह बनाने से पहले पोछा वगैरह भी नहीं होता कुछ भी, तो फिर पोछा मतलब एक कपड़े ही ना धुलो, कपड़े को धुल जाते हैं, चलो बर्तन भी अब तो खैर डिशवॉशर में हो जाते हैं, पर कुछ बर्तन भी करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो चलिए खैर टाइम ऐसे ही जो है दौड़ता जा रहा है, हम टाइम के साथ दौड़ते जा रहे हैं और टाइम कटता जा रहा है, ऐसे ही सब आदत हो जाती है, सब मैनेज हो जाता है। अच्छा लगता है अपने आप को बिजी रखना, बिजी ही मैं तो बोलूँ सबको अपने आप को बिजी रखना चाहिए, बिजी रखने में फायदा है, बहुत फायदा है, मुझे बहुत फायदा है अपने आप को बिजी रखकर बहुत ज्यादा। तो मैं घर घर का काम करती थी, वो एक अलग जिंदगी थी, अलग जीवन था, और आज का अलग है, मैं पूरी तरह जो है चेंज हो चुकी हूँ पहले के अकॉर्डिंग, जो मैं 4 साल पहले थी अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तो जितना हो सकता है ना, जो जो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो जो भी हो, जरूरी नहीं है मैं शॉप कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, वही सब करेंगे, सबका अलग अलग है, पर करना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। तो बस चलिए अब जो है चलते हैं, ढेर सारी बातें कर ही ली। हाँ जी आप तो करती नहीं हो बात, बात करने में मैं माहिर हूँ ये नहीं है, गाड़ी चलानी इनको गाड़ी चलानी है, सही बात है। तो जी चलो, बहुत तेज धूप हो रही है, गेहूं की कटाई लगी हुई है, इसका तो वो भी कट गया, इसका तो लान भी कट, इसने उनमें लगे वो खड़ी मशीन से कटवा रखे इन्होंने, तो जो वो खड़े वाली काटती है ऊपर ऊपर पके पड़े सारे, हाँ सब हो, एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा गेहूं का सीजन कटाई वगैरह का। आज तो शायद हमारे घर पे भी, मेरे मायके में भी कटाई तो मतलब हो गई, जो मशीन में अनाज निकलेगा वो शायद आज निकलेगा, हाँ वो कटा पड़ा भूस पड़ा है। अच्छा, दो तरह से कटाई होती है, एक तो जो ये भूस अलग निकालते हैं है ना, और एक खेत में से कड़े मतलब खड़े खड़े मशीन काट देती है, हाँ उसमें अलग नहीं, जैसे अलग काट काट के फिर वो करते हैं, वो नहीं होता, दो तरह से होता है, वे कटवाते होंगे ना खड़े खड़े, जिनके यहाँ डंगर वगैरह नहीं होते होंगे, जिन्हें भूस की जरूरत नहीं होती होगी, दूसरी बात भूस भी देती है वो, भूस देती है लेकिन बस बहुत ही कम, हाँ जिनको मतलब जो जैसे जिनके पास पशु वगैरह नहीं रहते घर में, तो ना भूस की नहीं होती जरूरत, सिर्फ अनाज अनाज की होती है, ऊपर ऊपर का काटती है वो, काट तो रखे नीचे तक, ये थोड़े थोड़े छोड़ रखे है, इतने इतने छोड़ रहे, दो दो बलान सारे छोड़ रखे, ऊपर वाली मशीन के हैं, क्या बोल रहा हूँ सर, बोल रहा तो क्या बोल रहा है, जो मतलब मेरे हाथ कैमरे पर जो उसे ऊपर से काट दे वो खड़े खड़े, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर हमारे यहाँ तो कटाई अलग होती है और फिर मजदूरों से कटाई करवाते हैं, उसके बाद थ्रेशिंग कराते हैं, फिर भूस और अनाज अलग अलग कटता है। चलो जी किसानों का काम जो है पंजाब में चला है, ज्यादा पंजाब में नहीं, कल मैं देख रही थी किसी का फोन में, एक यूट्यूबर थी वो भी ऐसे ही कटवा, उनका वो नहीं है ना डंगर नहीं है उनके घर में। चलो जी, धूप आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती है और जगह जगह बस वही है कि जो है गेहूं कट रहे हैं, लेडीज़ काट रही हैं, जो देखो मजदूर लोग होते हैं, हेल्पर लोग होते हैं, वो कटवाते हैं लगवा के, और कहीं पे भूसा पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ, अच्छा लग रहा था, मतलब गांव जैसी फील हो रही है आज। और एक बात आपको बताऊँ, गेहूँ मैंने भी काटे हैं 1 से 2 बार, बस बहुत ज़्यादा नहीं, पर 1-2 सीज़न में ना थोड़ा बहुत हमने काटा है, मैंने, मम्मी ने, मेरी दादी माँ घर पर उस टाइम खाना बनाती थी, और मैं और मम्मी 1-2 बार खेत में जाके ना गेहूँ हमने काटे हैं, मतलब बस ऐसे नहीं कि डेली का हमारा काम था, पर 1-2 बार ऐसा हुआ है, मतलब मैंने ट्राई कर रखा है काटे हुए, धूप बहुत तेज धूप लगती है, जब तो बचपन था हो जाता था, अब तो जो है बीमारी पड़ जाएंगे इतनी धूप में, ऐसी आदत हो चुकी है। काम सारे किए हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं किया कि हम खेत में जाते थे बहुत ज़्यादा काम करते थे, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया, किया सब काम है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो चलिए बातों बातों में, देखिए ये भी गेहूँ जो है कटने के लिए रेडी हैं,
और यहाँ पे कटे हुए पड़े हैं कुछ, जो हेल्पर लोग धूप में काट रहे हैं। मुझे बड़ा मतलब अजीब लग रहा था कि देखो इनको कितनी धूप लग रही होगी, पर ये सब काम जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें आदत हो जाती है। और उस टाइम पे हम करते थे तो हमें भी धूप नहीं लग रही थी, अब तो मान के चलो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आज तो जो है पूरे में मुझे गेहूँ ही गेहूँ दिखाई दे रहे थे। हेलो जी, हम आ गए हैं, आज थोड़ा जल्दी आ गए और अब कुछ खाने पीने की सोच रहे हैं। तो भूख लग रही है बहुत तेज, काम किया झटपट झटपट। आज जल्दी गए थे और आज मतलब एक मार्केट में हम गए, दो में नहीं गए। तो अब हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ खाने पीने के लिए। क्या है खाना? मेरा फेवरेट जो है डोसा। तो हम आए हैं डोसा कॉर्नर और खाली है बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई टाइम नहीं है ना, अभी ना इधर का टाइम है ना उधर का। अब 4:15 हो रहे हैं ना, 4:15 का टाइम हो रहा है, चार ही बजे हैं लगभग। तो अब आ गए हम, आज जल्दी आए क्योंकि इनको थोड़ा सा काम और भी है आज। तो आज हमने आधा काम निपटाया, आधा नहीं निपटाया, आधे काम में ही आ गए। तो बस ऑर्डर दिया हुआ है हमने, अब जो है खाएंगे पिएंगे और फिर मैं अपने शॉप पे चलूँगी। जल्दी आ गई तो शॉप पे जाना पड़ेगा और इनके यहाँ काफ़ी काम, मार्केट जाओगे राइस ख़त्म हो रहे हैं हमारे, तो वो ये शायद लेके आएंगे आज। और भी बहुत सारे काम हैं तो वो ये निपटाएंगे और मैं अपनी शॉप पे जाऊँगी। तो जी इस तरीके से हमारा जो है रूटीन रहने वाला है। रात का टाइम, खाना पीना हो चुका है, मैंने और उन्होंने तो खाना नहीं खाया। इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो ये दवाई लेके लेट गए हैं जल्दी ही, आज 8:30 बजे ही लेट गए हैं। और मैं नहा धो के खाना बना के सबके लिए, मैंने और इन्होंने नहीं खाया बाकी सबके लिए बनाया। और जो है अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये जो मेरे कवर है ना, दोनों ही फैले पड़े हुए थे, दोनों के सारे ही फैले पड़े थे। कुछ टाइम होता है ना कि एक टाइम होता है एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 4-6 दिन के बाद थोड़ा सा हमें करना ही होता है। और अभी क्या है, काफ़ी सारे कपड़े जो है हटा भी दिए थे। अब 3 बार का सीज़न, जैसे कि अब बच्चों ने सारी हाफ स्लीव टी शर्ट निकाल ली हैं, जो फुल स्लीव थी वो कहीं कहीं पे ऐसे ही जो है बीच बीच में सिर्फ प्रेस करता है, वही करता है अपने कपड़ों पे, अपने पापा के कपड़ों पे। तो क्या करता है वो बीच बीच में सारे कपड़े ऐसे ही रख देता है। देखो बच्चे प्रेस कर देते हैं लेकिन जो सिंगवाना का काम होता है ना वो मेरा होता है। हालांकि वो प्रेस करके सारे हैंगर पे लगा देता है लेकिन हैंगर कोई कैसा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो सारा मैं करने बैठ गई हूँ क्योंकि अब इस रूम में शिफ्ट होने वाले हैं, आज इसी में सोएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एसी वाले में, अभी तो मैं ऐसे ही काम चला रहे थे। मैं तो खैर सो जाती हूँ, मुझे तो ऐसी नहीं है, पर इनको बहुत गर्मी लगती है, ये नहीं सो पाएंगे तो ये इधर आएंगे। तो बेड पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलिए जो है आज सारा ही ऊपर से नीचे तक मैं समेट देती हूँ। तो सारे पहले ये तीनों ही कबड़ मैंने पूरे जो है लगाए हैं एक एक करके। काफ़ी काम फैला हुआ था, मेरे भी ऐसे ही पड़े हुए थे जैसे मेरे सारे हैवी सूट। अब तो बिल्कुल गर्मी का सीज़न आ गया तो बहुत ही हल्के फुलके चलेंगे। यहाँ पे मैंने इनके सारे टी शर्ट वगैरह हाफ इस तरीके से लगा दिया। अब 4 दिन होंगे ना तो सब उलट पुलट मिलेगा मुझे, क्योंकि अभी इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि मैं अपने हाथ से कपड़े निकाल के दूँ, ना मेरा इतना टाइम होता है। तो एक निकाल अंश तो बहुत मुश्किल से मतलब एक निकालेगा तो सारे फैला देगा। श्रेय तो फिर भी रखता है बेचारा फोल्ड करके, तो ऐसी आदत होती है बच्चों की, सभी के बच्चों की ऐसी होती है, सिंगवाना तो हमें ही होता है। तो मैंने सारे आज जो है फालतू के हटा दिए सब, जैसे फुल स्लीव इनकी भी मोटी वाली शर्ट थी, इस तरीके से ना बहुत काम हो जाते हैं। तो ये इनकी तो मैंने लगा दी, उसके बाद फिर मैंने अपनी लगाई थी। मेरे वाले में तो मेरे कपड़े ही प्रेस के इतने पड़े हैं कि पूछिए ही मत, मेरे तो बहुत ही कम कपड़े हैं यहाँ पे। बाकी मैंने भी अपने हैवी सूट सारे हटा दिए, 2-4 सूट जो है रखे हैं बस, बाकी सारे मैंने भर के रख दिए जैसे स्टोर करके रखते हैं।
और दो चार मैंने अभी बाहर भी रखे हैं, कुछ बिना प्रेस के पड़े हैं। तो इस तरीके से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस के पड़े रहते हैं, इतना मेरा टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने भी लगा दिए सारे दुपट्टे इतने सारे। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। बहुत ही प्यारा सा व्लॉग रहेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।